नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं अमित तोमर और आप सब मेरे साथ में आज जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, उसका एक और पार्ट सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो जल्दी से सभी साथी आ जाइए और एक बारी फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हो सके तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, और मैप हो अगर आपके पास तो बहुत ही, फिर तो क्या ही बात, फिर तो सोने पे सुहागा है। तो जल्दी से सभी साथी आ जाएं और फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करके और पढ़ना शुरू करिए मेरे साथ में। तो जल्दी से सभी साथी आ जाइए भाई, फटाफट से जल्दी आ जाइए सभी। जल्दी से सभी साथी आए और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भाई रेखा, सचिन, मोनिका, रितेश, नमस्कार भाई, गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाओ। कल्पना, जल्दी जल्दी सभी साथी आ जाओ और एक बार दम लगा के वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी जुड़ जाइए फटाफट से और आज की क्लास देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। और आज की क्लास देखिए, उससे पहले जानकारी बैच से संबंध में। तो अभी तक आपने यदि संजीवनी बैच केवीएस एसएसटी के लिए या केवीएस किसी भी एसएसटी हिंदी संस्कृत जिस भी आप सेगमेंट में हो उसके लिए यदि आपने अब तक संजीवनी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाइए और 60% का जो ऑफर चल रहा है उसका लाभ उठाइए। यानी केवीएस पर मिल रहा है आपको पूरा का पूरा 60% का डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपको टीजीटी एसएसटी टीजीटी संस्कृत हिंदी इंग्लिश साइंस म्यूजिक सोशल फिजिकल एजुकेशन, चाहे आपका पीआरटी स्पेशल हो, चाहे आपका जनरल पेपर हो, सभी पर दिया जा रहा है। अगर आप कोई भी स्पेशल बैच लेते हो, कोई भी टीजीटी एसएसटी संस्कृत में से कोई भी इन सभी में से बैच लेते हो तो ये मात्र आपको 1999 रुपए का बैच होगा, यानी 1999 में। यदि आप स्पेशल बैच लेते हो, स्पेशल पेपर के लिए लेते हो, केवीएस पीआरटी स्पेशल 2022 के लिए लेते हो तो आपको 1499 का मिलेगा। और यदि आप केवल जनरल पेपर का बैच लेते हो तो आपको 999 का दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कोड अप्लाई करना है और कूपन कोड है आपका KVS60। यानी यदि आप कोड KVS60 लगाते हो तो आपको बैच पूरा का पूरा कितने परसेंट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, आपको पूरा बैच 60% डिस्काउंट के साथ दिया जाए। चलिए अब इंपॉर्टेंट जानकारी में, इंपॉर्टेंट बैचेस में, ये रहा आपका स्पेशल बैच SST 2022, TGT SST 2022। बहुत ही जबरदस्त बैच है KVS के लिए, ये समझ लिया। ये बैच है ना, एक तरह से रामबाण बैच है भाई। क्यों बैच है, क्योंकि भैया देखो इसके फीचर देखो, डेली क्लास ये तो सब में होता है सर, प्लस क्लास PDF ये भी सब में होता है सर, स्पेशल क्या है बेटा ये फीचर, डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी जब डेली आपको जो कराया जाएगा उससे रिलेटेड प्रैक्टिस आपको तुरंत करा दी जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और डाउट सेशन आपको दिया जाएगा, यानी हर चैप्टर से करीब 20 से 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें, ये बैच आपको 60% के डिस्काउंट के साथ केवीएस 60 आपको कोड लगाना है और 1999 में बैच दिया जा रहा है। जल्दी से बताइए, बात समझ आई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास की बात करें तो आज जो हमारा चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी का 8वां, 9वां और 10वां, यानी आज हम 3 चैप्टर खत्म कर देंगे 8, 9 और 10। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाइए, बाकी जो है भाई उनको लेके आओ। अरे राम और ये रितेश और ये रेखा, सभी भाई सबको लेके आओ यार, नमस्ते, राम राम, सभी को लेके आओ। साहिन खान, बाकी जो भी है सबको लेके आओ, शेयर करो फटाफट से। आज हम बात करेंगे मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण उपोष्ण प्रदेश, यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, इसकी बात करेंगे। ये चैप्टर नंबर अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 8वां है। तो जल्दी से सभी साथी आओ और क्लास स्टार्ट हो गई है आपकी। अब देखो ध्यान से समझो, स्टार्ट करते हैं क्लास। यानी मानव का, कहने का मतलब ये है कि मानव का अपने वातावरण के साथ कैसा संबंध है, और किसमें, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश में। यानी जो मानव है जो इंटरेक्ट करता है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन में, यानी मानव का रिलेशन ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन में किस तरह से है। तो अब आप देखो, ट्रॉपिकल जोन की जब हम बात करते हैं तो सर दिमाग में कौन सा वाला क्षेत्र आता है, तो आप कहोगे सर ट्रॉपिकल जोन में तो हमारा जो दिमाग में सबसे पहले क्षेत्र आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश हो, यानी जो क्षेत्र इक्वेटर के आसपास का हो उसकी बात करते हैं। सही बोल रहा हूं मैं,
है ना। तो आइए उसी की बात करते हैं, और सबसे पहले लेते हैं अमेजिन बेसिन में जीवन। अमेजिन बेसिन में जीवन, अमेजिन बेसिन को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैप की नॉलेज देता हूं। कहां है अमेजिन बेसिन, आइए ध्यान से समझते हैं। देखो इसे बाद में देखेंगे, जरा इस मैच को मैप को देखो। अब आप में से कईयों को साफ नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, दूसरा मैप ले लेते हैं। देखिए यहां देखिए, जरा आप इस मैप को देख लीजिए फटाफट, कोई नहीं। चलिए भाई देखो फटाफट से, आप इस मैप को देखना है हमें। जल्दी से आप सभी साथी जुड़ जाइए, फटाफट से सभी जुड़ जाइए भाई। मुकेश, सपना, गुड इवनिंग, बबीता, रिंकी, अदिति, रेखा, सभी को राम राम, नमस्ते भाई। देखो जल्दी से आ जाओ फटाफट से, और भाई अब हमें जोड़ना है ये वाला। देखो देखो ये मैप है साउथ, इसका साउथ अमेरिका, उसमें ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है बेटा अमेजन बेसिन। ये जो अगर आपको ब्लू कलर से बड़ी सी नदी दिख रही है, ये जो आपको बड़ी सी नदी दिख रही है ना, ये वाली ब्लू कलर से, ये अगर आपको बड़ी सी नदी दिख रही है तो इसको कहा जाता है अमेजन रिवर। अमेजन रिवर की बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन रिवर कैसी नदी है सर? विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, इस देखो दरअसल होता क्या है, यहां से जाती है इक्वेटर। जब इक्वेटर गुजरती है तो इक्वेटर पे गर्मी होती है, गर्मी होती है, जो यहाँ पानी पृथ्वी पे पानी भरा हुआ है वो पानी भाप बन के ऊपर जाता है, और यहाँ छमाछम बारिश होती है। बारिश ज्यादा होती है डेली शाम को 4 बजे, इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र में बारिश होती है। अरे भैया वो जो क्लास है ना वो अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, परेशान ना हो पीयू, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो अगर आगे की कहानी करें तो यहां ध्यान से समझो, अगर यहां की बात करूं तो होगा क्या, ये जो पानी डेली यहां बरसेगा शाम को 4 बजे बारिश होती है। ऐसी स्थिति में ये बाकी जो छोटी मोटी नदियां है ना, ये सब जो छोटी मोटी नदियां है, ये इन सबको मिला के ये सारी की सारी नदियां, यानी ये बहुत घने जंगल है, इन जंगलों से बहुत सारी नदियां इस अमेजन में जाके मिल जाती है, इसको बोला जाता है अमेजन बेसिन। इसको क्या बोला जाता है? अमेजन बेसिन, यानी अमेजन नदी का क्षेत्र। आगे बात समझ में, यानी ये बहुत सारी ब्रांचेस अमेजन नदी की यहां इसमें मिल जाती है, इतनी बात समझ आई, इसी को हम अमेजन बेसिन के नाम से जानते हैं। अच्छा सर ठीक है समझ आ गया। इस अब अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसे होता है? ये अमेजन बेसिन बेसिकली, अगर ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ये 0 डिग्री से और 10 डिग्री के बीच में फैले हुए हैं। अमेजन नदी जो है 0 से 10 डिग्री के बीच में फैले हुए इसका बेसिन है। अब ये क्या है, कैसे है, सारी बातें विस्तार पूर्वक आइए समझते हैं। यहाँ जनजीवन कैसे होता है, लोग यहाँ अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, उन सभी की सभी बातों पर अब हम चर्चा करेंगे पूरा विस्तार से। अब थोड़ा सा ये मैप आपने देख लिया अफ्रीका का, देखिए पूरा का पूरा इस तरह से, देखिए मैं इसको हाईलाइट करने का प्रयास करता हूं जरा। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये कॉन्टिनेंट, ये जो मैं ब्लैक से बनाया हूं, ये है पूरा का पूरा कौन सा कॉन्टिनेंट, ये भैया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है भाई? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक। ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट क्या कहलाता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये वाला, ठीक है, क्लियर हुई कहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये पूरी नदी आपको अमेजन की नदी दिखाई दे जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पूरा विस्तार से अब तक आपके बारे में मैंने जो इसके बारे में बताया वही बातें यहां लिखी हुई। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। देखो उष्ण कटिबंधीय, यानी जिसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय हिंदी में बोलते हैं क्या? हिंदी में बोलते हैं भाई मेरे ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन कहां स्थित है, या उष्ण कटिबंधीय कहां स्थित है भाई? कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य स्थित है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, जल्दी आ जाओ। देखो ये वाली अर्थ, अर्थ के बीच इक्वेटर, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे,
ये नॉर्थ, ये साउथ, सॉरी ये साउथ, ये नॉर्थ, ये वाली जो रेखा है, अब ध्यान से समझना, जो नॉर्थ है इसको बोला जाता है कर्क रेखा, इसको मकर रेखा, इसके जो बीच का क्षेत्र है ये, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां गर्मी अधिक पड़ती है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, यानी इसके 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ये 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे का जो भाग है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यानी इक्वेटोरियल रीजन। क्या बोला जाता है भाई? इक्वेटोरियल रीजन। जल्दी से एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जल्दी से आ जाए, क्लास स्टार्ट आपकी हो चुकी है भाई। राधे राधे भाई सभी को, और जल्दी आज आप हो कहां, और जब तक मैं नहीं कहता तब तक आप लाइक तो करते ही नहीं हो भाई, जल्दी से लाइक कर दो और फटाफट से जुड़ जाओ। तो इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन, इंग्लिश में लिख लो इक्वेटोरियल रीजन। अमेजन नदी इसी प्रदेश में होकर बहती है, यानी जो अमेजन नदी है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच है, यानी इस क्षेत्र में 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में अमेजन नदी बहती है, ठीक है। यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूरब में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है, ये आपको देखना है। देखो पश्चिम में कहां से निकलती है, थोड़ा सा इसके मैप की तरफ चलेंगे, देखो यहां से निकलती है ये, यहां, और ऐसे जाती हुई ऐसे इस महासागर में गिर जाती है। यहां कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। यहां कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी इसमें आके ऐसे मिल जाती है, इन सबको मिला के बनता है अमेजन बेसिन। आ गई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? चलिए साहब अब आगे देखिए। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो ये अमेजन नदी जो है ये किस में मुहाना बनाती है? ये अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है भाई। चलिए सर ठीक है, समझ आ गया। यानी जब नदी, कोई भी नदी मान के चलो सागर है, या कोई भी नदी मान के चलो एक ये बड़ी नदी है, इसमें छोटी नदी आके अपने गिर रही है, तो ये जो जगह हुई इसको बोलते हैं नदी का मुहाना, जहां छोटी नदी आके मिली या बड़ी नदी सागर में जाके मिली, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसे नदी का मुहाना कहते हैं, माउथ ऑफ रिवर, इंग्लिश में बोला जाता है माउथ ऑफ रिवर, जहां नदी का एंड पॉइंट होता है उसे बोलते हैं, रिवर का जो एंड पॉइंट होता है उसे बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर, ठीक। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन बेटा इंग्लिश में भी ये बेसिन ही है, बी ए एस आई एन, बेसिन मतलब होता है दोआब, बेसिन मतलब दोआब यानी नदियों के बीच की भूमि, बेसिन कॉल्ड दोआब, ठीक है। आगे बात समझ में? अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, ब्राजील के भागों में है, सबसे ज्यादा ब्राजील में है, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों में स्थित है। किस किस देश में? मुख्य रूप से किस में आता है? ब्राजील में। अगर आपसे पूछा जाए अमेजन नदी का जो बेसिन है वो किस भाग में आता है, तो भाई ब्राजील में आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। लेकिन उसके बाद पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन देशों में भी आता है, ठीक है। जहां ये नदी पाई जाती है उस जंगल को बोला जाता है क्या? अमेजन के जंगल, यानी अमेजन के फॉरेस्ट। वहां मैंने आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में, पिछले चैप्टर में, कि सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं आती, तो नीचे मैदानों पर जब सूर्य की किरणें नहीं आती तो घास पैदा नहीं होती। देखो आगे लिखा हुआ होगा ये बात। देखो जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी है भाई, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? अगर अमेजन के क्लाइमेट की बात करें, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नर्म जलवायु रहती है। गर्म एवं नम। देखो गर्म से मतलब, क्योंकि इक्वेटर के भाई एमपीटेट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? देखो ये सिंपल सा एक बात आप समझ लो, कोई एक बुक किसी एक एग्जाम के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। बस ये है, आपको जहां से जो टॉपिक अच्छा लगे वो टॉपिक पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, वो किसी से भी लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेट के रेस्पेक्ट में, तो भाई टेस्ट के रेस्पेक्ट में मेरा अपना जो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अपना जो वो रहा मेरा जो मतलब अपना अनुभव रहा, दरअसल आपकी क्लास में जब मैं प्रीवियस ईयर स्टार्ट करने वाला था, मैंने पीवाईक्यू करा दिए सारे, अब दिक्कत थी एमसीक्यू की, अब मुझे एमसीक्यू करने थे। जब मैं एमसीक्यू के लिए, मैंने सोचा क्यों ना मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट लिया जाए और उससे एमसीक्यू कराए जाए आपको सीटेट के लिए। मैं मार्केट गया और मैंने सभी प्रैक्टिस सेट को एक तरफ से ढूंढना स्टार्ट किया भाई, मैंने हर मार्केट का हर प्रैक्टिस सेट ढूंढ लिया,
एक भी प्रैक्टिस सेट मुझे ऐसा नहीं लगा जिससे सीटेट में क्वेश्चन फंस सकते हैं। मतलब जो ऐसे होते हैं ना कथन वाले, कौन सा सत्य कौन सा सत्य है, मैचिंग वाले, ऐसा तो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था प्रैक्टिस सेट में। इसलिए मैं वो प्रैक्टिस सेट छोड़ आया और आपके लिए मैंने फिर फैसला किया कि मैं डेली चैप्टर पढ़ूंगा और आपके लिए प्रॉपर जो एमसीक्यू है वो अपने आप खुद से बनूंगा। तो जितने भी मैंने आपके लिए एमसीक्यू कराए हैं ना यहाँ बोर्ड पे, वो खुद बनाए हुए, खुद ने बनाए हुए हैं मैंने। आगे बात समझ में? तो किसी एक बुक से प्रॉपर काम नहीं चलने वाला है। इसी बात पे बुक आपके हिसाब से मैं बर्णवाल पढ़ रहा हूँ। ओके जी पंकज, तो आरएएस के हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देखिए बर्णवाल अच्छी बुक है, नो प्रॉब्लम, बर्णवाल आप पढ़ लीजिए। जब आप बर्णवाल पढ़ लो तो आपके लिए क्या करना है, आपको फिर इतना काम करना है कि ज्योग्राफी की जो रिसर्चेज होती हैं, रिसर्च होती है, आप एक बार पूरा बर्णवाल पढ़ लो अच्छे से, दो बार पढ़ो। जब आपने पढ़ लिया तो उसके बाद जो रिसर्चेज होती है ना ज्योग्राफी पे, आप उन पॉइंट को देखो कि किस किस पॉइंट पे ज्योग्राफी की रिसर्च हो रही है, उस पॉइंट को फिर गूगल से या किसी मैगजीन से या न्यूज़पेपर से, जहां से भी वो अच्छे से मिल जाए उसको पढ़ पढ़ के नोट्स बनाओ अगर आप आरएएस के लिए पढ़ रहे हैं। आगे बात समझ में? क्योंकि वहां जो एग्जाम लिखना होता है ना वो उसी आधार पर लिखना होता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आ जाइए आगे। तो यहां का मौसम क्या होता है, क्योंकि इक्वेटर के पास, इक्वेटर यहां से गुजर रही है, इक्वेटर के आसपास का रीजन है, तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है और चिपचिपाहट होती है, जैसे उमस आप बोल देते हो, यानी उसमें पसीना नहीं सूखता है, पसीने आते रहते हैं और हल्की हल्की गर्मी भी आपको लगती रहती है। यहां मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि दिन में भी बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, जैसे रेगिस्तान में होती है ना, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रात में बहुत ज्यादा ठंड, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, यहां दिन में भी गर्मी और रात में भी गर्मी होती है। ठीक है, तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, मतलब पहले से कोई बादल बनना है ऐसा कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट सीधा बारिश हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी बुक मुझे लग रहा है कि अभी मैं उस काबिल, मतलब देखो ऐसा होता है कि एक तो ये होता है कि आप मार्केट से उठाओ कॉपी पेस्ट मार दो, तीन चार बुक सामने रखो और एक बुक छाप दो फटफट फटफट, यार वो नहीं करना। जिस दिन लगेगा ना कि अपने आप में अब हम इस लायक हैं कि अब हम बुक लिख सकते हैं, उस दिन अपनी बुक बिल्कुल किसी की, बिना किसी दूसरे की बुक की हेल्प लिए लिखे। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ते रहो। हाँ जी आगे देखिए, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होता है, रात के समय तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही रहती है। द अमेजन बेसिन एक्सटेंड्स अराउंड द इक्वेटर एंड हैज ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट Throughout the year, the weather here equally hot and humid both day and night, and the body feels sickly. It rains almost daily in his region, and that too without any prior warning. The day temperature is high and humidity. यानि यह day और night दोनों का temperature लगभग समान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और आगे देखिए। इस तरह के वन होते हैं भाई, देखो इतने ज्यादा घने होते हैं, मैं बता रहा था ना, इतने ज्यादा डेंस वन होते हैं, इतने ज्यादा घने वन होते हैं कि इनमें सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं जा पाता। जब सूर्य का, देखो ये जो दिख रही है ये आपको अमेजन रिवर, ये जो जाती हुई दिख रही है ना, ये अमेजन रिवर, ये ऐसे चलती है इन वनों में, ऐसे, अरे स्नेक के आकार में ऐसे चलती है इन वनों में। ठीक है, तो ये अमेजन रिवर है, इस तरह से बह रही है इसमें। ये इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंचता, तो यहाँ घास नीचे नहीं पाई जाती है। ठीक है, वर्षा वन, अगर ये इनकी बात करें तो ये कैसे वन है, वर्षा वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, वह इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं की एक छत रूफ बन जाती है, छत नुमा बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक, यानी छत पे ही, पेड़ों से ऊपर ही सूर्य का प्रकाश रुक गया और नीचे नहीं आया, यानी नीचे छांव है। आगे बात समझ में? नीचे क्या है, प्रॉपर छांव है। उसके बाद बात करें तो धरातल तक नहीं पहुंच पाता, यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। भैया जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो भूमि क्या रहती है, नम रहती है, नमी रहती है भूमि में। ठीक है, मिट्टी जो होती है वो गीली होती है। ठीक है ना, जैसे पेड़ के नीचे मिट्टी देखे तो गीली होती है ना, बिल्कुल वैसे यहाँ केवल वही वनस्पति, देखो एक चीज पॉइंट नोट करना, पनप सकती है जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। कुछ वेजिटेशन, कुछ वनस्पति ऐसी होती हैं जो छाया में, यानी जो छांव में, जिन्हें धूप की जरूरत नहीं है, वो छांव में भी बढ़ सकती हैं। अक्सर हम उनको अपने घरों में, मतलब डेकोरेशन के तौर पे लगाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ? अच्छा सर लगाते हैं, बात समझ में आ गई। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ
आर्किड और ब्रोमीलाइड, ये बेटा दोनों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा आर्किड और ब्रोमीलाइड क्या है, परजीवी पौधे हैं, जीवों के नाम है, जानवरों के नाम है, या ये पूछ लेगा कहां उगते हैं। तो अमेजन के वनों में आर्किड और ब्रोमीलाइड एक परजीवी पौधे हैं, दोनों एक साथ रहते हैं और ये उगते हैं। आगे बात समझ में, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्लियर हुई कहानी, यानी इनमें से एक तो दूसरे को आश्रय देता है और एक क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है छांव में। क्लियर हुई कहानी, समझ में आया, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए आगे, वर्षा में प्राणी जाति की प्रचुरता होती है। भाई यहां क्या होती है, वर्षा वन जो होते हैं उनमें प्राणी जाति की प्रचुरता होती है, मतलब यहां पर देखो जब भाई बारिश ज्यादा होती है वन ज्यादा होते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं तो जानवर पक्षी और ये सारी चीजें भी तो ज्यादा होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, होंगी सर बिल्कुल होंगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए आगे, एक होता है टूकन गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहां पाए जाते हैं, यानी यहां ये पक्षी पाए जाते हैं, इनको आप नोट करके ध्यान रखना, टूकन गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित एवं पक्षी वाले भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले पक्षी यहां पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा प्राणियों में बंदर, बंदर स्लॉथ, स्लॉथ वही जो पेड़ पे सोता रहता है, सोता ही रहता है स्लॉथ, चींटी खाने वाले टीपर टैपीर भी पाए जाते हैं, सांप एवं सरीसृप के विभिन्न प्रजातियां भी यहां पाई जाती हैं, मगर 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 सांप अजगर तथा एनाकोंडा और बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी यहां बेसिन में निवास करते हैं। एक मछली पाई जाती है मांस खाने वाली मछली, जिसका नाम है पिरान्या, पिरान्या मछली, पिरान्या मछली, पिरान्या फिश यहां पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक मछली की प्रजाति है जो मीट खाती है, ऐसी मछली जो मीट खाती है, वर्षा वनों में वनस्पति और जीव जंतु की बिल्कुल पाई जाती है। भाई जल्दी से एक बारी सभी साथी देखो लाइव में कितने सारे हैं और लाइक कितने से, जब तक कहूंगा नहीं तब तक लाइक नहीं करोगे, जल्दी से यार एक बारी लाइक और शेयर करो फटाफट से। यहाँ वर्षा वनों के निवासी कैसे होते हैं, देखो निवासियों को समझो, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर भोजन के लिए फसल उगाते हैं। आगे बात समझ, यहाँ के जो लोग होते हैं वनों के कुछ हिस्से को काट के भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ जो है ना पुरुष तो शिकार करते हैं, पुरुष तो क्या करते हैं शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं जो होती हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं। महिलाएं क्या करती हैं फसलों का ध्यान रखती हैं, क्यों रखती हैं, क्योंकि भैया देखो जरूरी नहीं है कि शिकार हाथ लगेगा ही लगेगा शाम को, अगर शाम को समझो कि पुरुष शिकार पे निकला, इनका जो देखो जीवन है ना अपने जीवन में उद्देश्य क्या होता है, हमारे और आपके जीवन में उद्देश्य है भैया आप पढ़ लें लिख लें अच्छी नौकरी प्राप्त कर लें बढ़िया से पैसा कमाएं, इनका जीवन जीने का जो उद्देश्य है वो क्या होता है कि भैया शाम के भोजन का जुगाड़ कर लें। तो सोचो इनकी जीवन इनकी लाइफ कैसी है, ये बस इस उम्मीद में जीते हैं, इनका जो ड्रीम होता है या जो इनका अचीवमेंट होता है वो ये होता है कि बस शाम के भोजन का जुगाड़ कर लें। आगे बात समझ में, इनका पूरा लाइफ का गोल यही होता है कि पूरी जिंदगी बस क्या करना होता है, पूरी जिंदगी खाने का जुगाड़ करना, ठीक है। अच्छा या अब मान के चलो खाना नहीं मिला, किसी दिन शिकार नहीं मिला, कोई शिकार नहीं मिला तो क्या होगा भैया, शिकार नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए जो महिलाएं होती हैं वो फसल भी उगाती हैं, तो अपना फसल जो उगाया उसे पका के पेट अपना भर लिया, ठीक है। यहाँ ये मुख्यतः टैपियोका, ये अपने यहां भी खाया जाता है, एक राज्य में, किस राज्य में खाया जाता है टैपियोका मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपने 1-5 का पढ़ा है तो मुझे ये बताओ, 1-5 सीटेट में ही एक चैप्टर है जहां ये बताया जाता है कि टैपियोका भारत के किस राज्य में मुख्य भोजन के रूप में खाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये यहाँ के निवासी भी यानी अमेजन के निवासी भी टैपियोका अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, ये उगाते हैं मुख्य फसलों में, ठीक है ना। चलिए अब ये टैपियोका कहाँ खाया जाता है जल्दी से कमेंट करके बताओ, किसी का कमेंट अभी आया नहीं, आगे आ जाओ। ये कर्तन एवं दहन पद्धति का प्रयोग करते हैं कृषि में, कृषि में कर्तन एवं दहन या इसी को अपन बोलते हैं क्या, झूम खेती, झूम की खेती, झूम की खेती। ये झूम की खेती में कई बार मल्टीपल टाइम बता चुका हूं कि एक पर्टिकुलर एरिया से झाड़ियों और पेड़ पौधों को उखाड़ कर उन्हें सुखाया जाता है और फिर उन्हें जला दिया जाता है, उनकी जो राख बनी उस राख को मिट्टी में फैलाकर केरल में टैपियोका खाते हैं। बिल्कुल सही आया राजस्थान जीके का आंसर, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया, वेल डन, केरल में टैपियोका खाते हैं, सही बात है एकदम।
बहुत बढ़िया यार, मैंने बहुत दिन पढ़ाया, चलो आ गया। तो ये जो झूम की खेती होती है ये क्या होती है, इन सबको क्या कर देते हैं, यहाँ जला देते हैं और जो राख होती है उसे खेत में फैला के और बिना जुताई किए उसमें बीज लगा देते हैं, क्योंकि इसमें कोई जुताई नहीं लगती, फर्टिलाइजर नहीं लगते, पेस्टिसाइड नहीं लगते, नहीं लगते तो 1-2 साल बाद यहाँ की भूमि कम उपजाऊ होती है, मतलब उर्वरक शक्ति मिट्टी की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जगह को ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर आगे जाकर पुनः यही प्रक्रिया दोहराते हैं कि फसलों को, पेड़ पौधों को और घास फूस को काटा, उखाड़ा, जलाया, फिर से खेती कर दी। इसको बोला जाता है स्थानांतरित कृषि, इसको एक और नाम दिया जाता है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। आगे बात समझ में, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इंग्लिश में क्या बोलोगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आगे बात समझ में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये, ठीक है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये खेती की जाती है, झूम की खेती। हाँ जी, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि एक तो पेड़ों को आप काट रहे हो, ऊपर से जला रहे हो, लेकिन जब ये छोड़ देते हैं तो दोबारा से फिर से पेड़ पौधे उगाते हैं, फिर से ये करते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये की जाती है। हाँ जी बिल्कुल, भारत के नॉर्थ ईस्ट में। सर आज आपको कौन सा चैप्टर करा रहे हैं बेटा, आज 8वां 9वां 10वां चैप्टर कराएंगे, जल्दी से एक बार सभी साथी लाइक और शेयर कर दो और जल्दी आ जाओ। आगे बात समझ में, अच्छा आगे देखो, यहां बात करें इनका मुख्य आहार नियोक है, नियोक एक खाने मतलब उगाते हैं, वो इनका मुख्य आधार है, जिसे कसाब भी कहते हैं, जिसे कसाब भी कहते हैं, मतलब रोटी को तोड़ मड़ो के ऐसे मिलाना, मिला के और जब बनाते हैं कुछ, ठीक है। तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, ये जो होता है ना कसाब या नियोक, ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफी मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। अब देखो यहाँ जो है कुछ परिवार जो घर होते हैं ना उनका सुनो, यहाँ कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार के छप्पर में रहते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना ऐसे छप्पर बना लेते हैं, छप्पर में रहते हैं। लेकिन जबकि कुछ घर मलोक, कुछ घर के लोगों लोग जो रहते हैं उन्हें मलोक कहा जाता है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछेगा मलोक कहाँ पाए जाते हैं, तो भैया वर्षा वनों के लोग मलोक में रहते हैं। कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों घर होते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। इनकी छत कैसे होती है, तीव्र ढलान वाली, जिससे पानी भर से तो फटाक से नीचे आ जाए। आगे बस इनको क्या बोला जाता है, मलोक नहीं मलोक बोला जाता है, कसाब नहीं कसावा। हाँ हाँ कसावा है भाई, कसावा ही है, मैं कसाब बोल गया था, अरे वो भाई मिसप्रिंट फ्लो फ्लो में बोल गया होगा, कसावा ही है भाई मेरे, कसावा है, आलू की तरह उगाया जाता है। चलो तो जल्दी से एक बारी फटाफट से लाइक और शेयर करो, ठीक है। अपार्टमेंट समझ आया, मलोक समझ आ गया, चलिए मलुक नहीं है मलोक है, आगे आ जाओ। देखो अब लगातार क्या हो रहा है, इन जंगलों के साथ कटान हो रहा है, इन जंगलों को लगातार क्या कर रहे हैं, लोग काट रहे हैं। क्यों, कहीं झूम की खेती कर रहे हैं, कहीं उन्होंने घर बना लिया प्रॉपर रहने लगे, जब प्रॉपर रहने लगे तो प्रॉपर वहां जंगलों को काट रहे हैं। और जंगलों के कटान से हानि क्या होती है आप खुद देख लो, पहले इतने बड़े भाग में जंगल थे, अब जब इतने बड़े भाग में से देखो केवल इतने बड़े भाग में जंगल बने, तो ये जो मिट्टी थी, जो ऊपरी मिट्टी थी, ये बारिश के कारण कट कट के नीचे चली जाएगी, यानी ऊपरी जब मिट्टी हट जाएगी, परत हट जाएगी, तो ये जमीन जो है वो कम उपजाऊ हो जाएगी, अरे बेकार हो जाएगी ना ऊपर वाली जमीन, तो ऊपर वाली जमीन वैसे बेकार, नीचे वाली जमीन में ऊपर से कंकड़ पत्थर आ जाएंगे वैसे बेकार, दोनों तरह से जमीन बेकार। फिर देखो ऐसी स्थिति बनेगी, जंगल और कम हो गए, ऐसी स्थिति में तो यहाँ भयंकर, कहीं तो देखो अब कहीं तो आ जाएगी बाढ़, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, कहीं आपको सूखा पड़ जाएगी, ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, कहीं एकदम से सूखा, जंगल ना होने के कारण कहीं तो आती है भयंकर वाली बाढ़ और कहीं पड़ जाती है भयंकर वाली सूखा। बताओ बात समझ में आई या नहीं। हाँ जी मलूक मतलब सुंदर होता है, अपने यहाँ यूपी में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, अपने यहाँ यूपी में मलूक का मतलब सुंदर होता है भाई, जो बहुत सुंदर होता है ना, खूबसूरत होता है, उसको बोलते हैं मलूक, और लड़का है थोड़ा सा स्मार्ट है तो उसको बोलते हैं मलूक चंद, ठीक है, ऐसे ही नाम रखते हैं भाई। फर्स्ट पेपर की क्लास कब होगी, नेहा सिंह पूछ रहे, नेहा फर्स्ट पेपर की क्लास डेली होती है, आप चेक कर लो भाई। अब देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन, ये कहाँ है, ये भाई अपने भारत में, कहाँ है, भारत के अंदर है। अब देखो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला है, यानी अगर बात करें तो देखो 10 डिग्री उत्तर से मतलब यहाँ इक्वेटर, तो ये 10 डिग्री से यहाँ से 10 डिग्री से और कहां तक 30 डिग्री के बीच में फैला है, यानी इस एरिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां फैली हुई है, ये वाला जो है, ठीक है, इस एरिया में फैली हुई है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां।
अभी बात समझ में? चलिए आप भी हो तो जल्दी से आ जाओ और फटाफट से यार एक बारी सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करो। हाँ जी बिल्कुल यूपी के हैं भाई हम। चलो आगे आ जाओ जल्दी से, चलो जल्दी से आओ। देखो ये रहा भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन। देखो अगर मैं यहां बात करूं तो ये वाला बेसिन किसका रहा? गंगा का। ये भारत, इधर पाकिस्तान, इधर चाइना और इधर म्यांमार। तो उसमें से ये वाली जो रिवर है, ये वाली तो आई गंगा। ये गंगा के बेसिन में ही ये सारी नदियां, चाहे यमुना हो, गोदावरी हो, चाहे आपका कोसी हो, चाहे आपका महानद हो, चाहे आपका बेतवा हो, चंबल हो, ये सारी की सारी केन हो और ये सोन हो, सारी की सारी नदियां या यमुना हो, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्र है। यानी गंगा की सारी नदियों से मिलकर गंगा नदी बेसिन बनता है। इधर कौन सी आ गई? ब्रह्मपुत्र। चाहे इसमें लोहित हो, चाहे इसमें सुबनसिरी हो, चाहे इसमें कौन सी क्या बोलते हैं मानस नदी हो, चाहे इसमें तीस्ता हो, कोई भी नदी हो, चाहे धनसिरी हो, चाहे मेघना हो, ये सारी की सारी नदियां क्या मिलकर क्या बनाती है? चाहे दामोदर हो, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन बनाती है। इतनी बात आपको समझ गई? ये सारी नदियां क्या बनाती है? ठीक है, क्लियर हुई कहानी? जल्दी से आओ। हाँ मतलब किम जोंग उन वाले हो आप, तो नॉर्थ कोरिया वाले। चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट से। आगे देखो मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है उसमें कैसी चाप झील, समझ गए ना? चाप झील, अरे चाप झील समझे ना, ये वाली। अब यहां से नदी कट जाएगी, इधर ही आ जाएगी टर्न लेके, और ये वाला क्या बन जाएगा? ये वाली बनी चाप झील। बहुत बार बताया हूं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। भैया गंगा कहां? उत्तराखंड। उधर कम रहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां उपजाऊ जमीन नहीं है, रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, क्लाइमेट बदलता रहता है, तो इसलिए वहां कम लोग रहते हैं। जबकि मानव प्रवास में मैदानी भाग में सबसे उपयुक्त है, अतः जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। यानी जहां मैदानी भाग है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, वहां जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है। अब चाहे आप अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो देखो असम में बहुत जनसंख्या है ब्रह्मपुत्र के किनारे, बांग्लादेश में बहुत सारी जनसंख्या रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं वेदिकाओं फसलें उगाई जाती हैं। अरे छोटी छोटी क्यारी बना के, छोटी छोटी क्यारी बना के, ठीक है, छोटी छोटी क्यारी बना के वहां फसलें उगाई जाती है। आगे देखिए, डेल्टा क्षेत्र में मैग्रोव वन से घिरा है। यहाँ का जो डेल्टा क्षेत्र बटा वो किससे घिरा है? मैग्रोव वन से घिरा है। इसमें बाघ, हिरण, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर यहाँ पाया जाता है। और यहाँ अगर बात करें, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है कहाँ? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। लिख लो, लिखना चाहो लिख लो, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, यदि आप भाई एसएसटी केवीएस एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं 2022 की, तो संजीवनी बैच स्पेशल फीचर के साथ आ गया है आपका। अभी तक आपने बैच नहीं लिया है तो केवीएस 60 फटाफट से कोड लगाइए और 1999 में बैच पाइए। और मेरी इसमें पहली डेमो क्लास आज हो चुकी है 5 बजे टीचिंग पे। अच्छा एक और बात, टीचिंग पे डेली केवीएस का डेमो लेके मैं आ रहा हूँ डेली 5 PM शाम को 5 बजे केवीएस का आपका डेमो लेकर। केवीएस एसएसटी में ज्योग्राफी बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाई जा रही है, ए से ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। आज पहली क्लास हो चुकी है, आप उसे जाके देख सकते हैं एग्जामपुर टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है भाई, मैग्रो वन बता दे, मैग्रो वन होते हैं बेटा, मैग्रो में कई बार बता चुका हूं, ऐसे वन जिनकी जो जड़ें होती है ना पानी में धसी रहती है। और ये वन वहां पैदा होते हैं जहां पर ताजा पानी खारे पानी से मिलता है, अर्थात ये वन जो होते हैं जहां डेल्टा बनते हैं। भाई ताजा पानी खारे पानी से कहां मिलता है? जहां नदी सागर में मिलती है, और जहां नदी सागर में मिलती है वहां क्या बनता है? वहां डेल्टा बनता है। यानी ये डेल्टा पर उगते हैं और इनको डेल्टाई वन भी कहा जाता है। डेल्टाई वन, इनको डेल्टाई वन भी कहा जाता है, डेल्टाई वन कहा जाता है। अभी बात समझ में? इनकी लकड़ी जो होती है वो पानी में गलती नहीं है, और ये जो सामान्य पेड़ होते हैं उनकी तुलना में 4 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, दलदली क्षेत्र में होते हैं। अरे जाहिर सी बात है, वहां दलदल तो अपने आप ही बन जाएगा। यार जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करो, मजा नहीं आ रहा क्लास में यार, हद कर रहे, जल्दी से आ जाओ। आगे देखो, उसके बाद देखो, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, यानी जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनमें जीवन कैसा होता है? यानी जहां बढ़िया से ठंडी घास पाई जाती है वहां जीवन कैसा होता है? अब आप फटाफट से ये देखो जल्दी से, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन क्या होता है? शीतोष्ण घास स्थल, पहले तो ये समझो, ये जो शीतोष्ण घास के स्थल होते हैं ये वहां होते हैं जहां बारिश मधुर होती है, मतलब बूंदाबांदी होती है।
छमछम छमछम बारिश बारिश होती है, मतलब बहुत तेज बारिश जहां नहीं होती, ये वहां होती है। एक बात समझ आई? तो बागपत सहारनपुर में साइड में लिखा जाता है। बेटा मैं उधर से ही हूँ, लेकिन कभी दादाजी वगैरह जो थे, दादा परदादा, वो इधर यूपी में आके शिफ्ट हो गए, वरना मैं बागपत वाला ही हूँ। ठीक है, तो कभी बागपत में हुआ करते थे, लेकिन दादा परदादा में कभी पता भी नहीं कौन आके अंग्रेजों के टाइम में आके वहां से इधर शिफ्ट हो गए यूपी में, तो अब यहाँ रहते हैं यूपी में। आगे बस, हाँ जी, आठ की भी कराएंगे यार, आठ की भी कराएंगे मीता कुमारी, आठ की भी कराएंगे, सभी कराएंगे। ठीक है, तो घास के जो मैदान होते हैं ना, ये इनमें बेटा क्या होते हैं, ये वहां होते हैं, एक तो ये उच्च अक्षांशों की ओर होते हैं, यानी ऊंचे अक्षांश यानी ध्रुवों की साइड होंगे, लगभग 40 से 50 डिग्री के बीच में होते हैं। दूसरा, यहाँ जो बारिश होती है वो बहुत मध्यम मध्यम होती है, मध्यम मध्यम होती है, और ये ज्यादातर महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाते हैं, यानी यहाँ बारिश बहुत तेज नहीं होती, यहाँ की वनस्पति की ऊंचाई जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, कितना एरिया आ रहा है गुरु जी? अच्छा, हाँ जी, अच्छा तो है एरिया। देखिए, सबसे पहले प्रेयरी, प्रेयरी, प्रेयरी की बात करें, प्रेयरी घास के मैदान कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी घास के मैदान कहा जाता है। यहां अगर बात करें तो 2 मीटर की ऊंचाई तक, 2 मीटर बोले तो लगभग 5 से 6 फीट की ऊंचाई, यानी जिसमें एक आदमी दिखना बंद हो सकता है, छिप सकता है खड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसे मैदान यहां पाए जाते हैं। ठीक है, 2 मीटर की ऊंचाई घास के मैदान भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में ये एक घास का सागर है। ये क्या है? घास का सागर है। प्रेयरी पश्चिम में रॉकी पर्वत, पूर्व में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। और आगे की बात करें प्रेयरी में, प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हैं। अब देखो यहाँ की जलवायु कैसी है। यहाँ की जलवायु जैसे मैंने बता दिया, ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और शीत ऋतु में कनाडा में -20 हो जाता है। ऐसी स्थिति में शीत ऋतु में ये एरिया बर्फ से ढक जाता है, जो कनाडा वाला। अच्छा जी, बैक का इमेज बहुत अच्छा है, बिल्कुल भैया ये व्यू ही ऐसा है, आ जाइए। ठीक है, और शीत ऋतु में यह प्रदेश एक मोटी बर्फ की परत से ढक जाता है। ठीक है, जो घास के मैदान होते हैं, गर्मियां आती है फिर से घास यहाँ उगने लगती है। इस तरह से ये कहाँ है? ये बच्चा उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है ये? उत्तरी अमेरिका। ये जो आप मैप देख रहे हो ना, ये मैप आपका है उत्तरी अमेरिका। ये वाला जो आप नक्शा देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका। इस तरह से यहाँ ये पूरा का पूरा आपका उत्तरी अमेरिका है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका पूरा का पूरा क्या है, यहां से ये क्षेत्र भैया प्रेयरी घास के मैदान। अभी बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चीनुक नामक स्थायी पवने बहती है। आपसे पूछा जाएगा चीनुक नामक स्थायी पवने कहाँ बहती है, आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ वनस्पति और प्राणी जाति कौन कौन रहते हैं? प्रेयरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं, इनमें पेड़ नहीं पाए जाते। प्रेयरी जो घास के मैदान होते हैं, पेड़ नहीं पाए जाते, घास ही घास होती है केवल भाई। ठीक है, यहाँ जल उपलब्ध होता है, वहां सरपत, विलो, आल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ होते हैं। जहां यहाँ जल प्रॉपर उपलब्ध होता है, वहां सरपत, इसको बोला जाता है विलो, या आल्डर और पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। इसके क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, यहाँ जो मुख्य फसल होती है वो मक्का होती है। उसके बाद बात करें जिन क्षेत्रों में वर्षा काफी कम या एवं अनिश्चित होती है, वहां पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशी को पालने के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ मवेशी यानी पशुपालन, भैंस पालना, गाय पालना, ये यहाँ बहुत किया जाता है। ठीक है, बुक से आंसर दे रहे को, हाँ ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ जो विशाल मवेशी होते हैं ना, फॉर्म होता है मवेशियों का, जो फार्म होता है ना, उसको बोला जाता है रेंच। मवेशियों के फार्म को क्या बोला जाता है? रेंच। तो आपको ये रेंच शब्द, मैंने अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में जब आपको एमसीक्यू कराए थे, तो ये रेंच का क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यू में भी, पीवाईक्यू में। ठीक है, ये रेंच का सवाल आया हुआ है। एवं उसकी जो देखभाल करने वाले जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है काउबॉय। काउबॉय, ये काउबॉय भी मैंने कराया हुआ है। यहां अगर बात करें तो बाइसन एक अमेरिकी भैंस की प्रजाति है। बाइसन वो जो है वो क्या है? अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। तो बाइसन क्या है? एक अमेरिकी भैंस की प्रजाति है बाइसन। ठीक है, इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव है खरगोश, बायकोट, गोफर एवं प्रेयरी कुत्ता, यहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आ जाइए। यहाँ के लोग बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियों एवं ट्रैक्टर हार्वेस्टिंग, ये सारे के सारे गेहूं, इसको कहा जाता है प्रेयरी को। इसे देखो, प्रेयरी को विश्व का धान्यगार कहा जाता है।
ये पॉइंट नोट कर लेना, विश्व का धान्यगार किसे कहा जाता है, क्योंकि गेहूं की यहाँ अत्यधिक उत्पादन होता है। यहाँ गेहूं का उत्पादन, ऐसे घास होती है ना अपने यहाँ पे एकदम बिना बोए उगाती है, ऐसे यहाँ गेहूं उगाते हैं, तो गेहूं का यहाँ बहुत जबरदस्त उत्पादन होता है, इसीलिए इसको विश्व का धान्यगार कहा जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल्ट, वेल्ट, वेल्ट की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका के, ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है बेटा, कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास को वेल्ट कहते हैं। शीतोष्ण बोले तो जहां सहारा डेजर्ट, सवाना रेगिस्तान, घास के मैदान, उससे नीचे इक्वेटर के आसपास, उससे सबसे नीचे आ जाओ। वेल्ट 600 मीटर से 1100 मीटर की ऊंचाई वाले उर्मिल पठार के होते हैं। यह ड्रेकेसवर्ग पर्वतों से घिरा है, इसके पश्चिम में कालाहारी डेजर्ट है, कालाहारी मरुस्थल इसके पश्चिम में। ठीक है, आगे देखो कहां है, ये रहा आपका अफ्रीका, देखो भाई ये रहा आपका अफ्रीका इस तरह से, ये रहा आपका अफ्रीका, ये वाला कॉन्टिनेंट, और यहां है ये सारे के सारे, ये वाला, तो यहां है ये कुछ, ए यहां, यहां है भाई ये मैदान। ठीक है, घास के मैदान ये यहां पाए जाते हैं। ठीक है ना, कांगो के आसपास के क्षेत्र में। आगे बढ़िए, यहाँ की जलवायु शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। शीत ऋतु में ठंडी एवं शुष्क जलवायु, ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। वह क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच होती है, बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। आगे देखिए, वनस्पति एवं प्रजातिगण यहाँ अधिकतर घास स्थल से ढके रहते हैं, यहाँ अधिकतर स्थल घास के मैदान से ढके रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मारोल ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू है। कुडू क्या होता है, कुडू बिल्कुल चीता के जैसा होता है। ठीक है, कुडू कैसा होता है, बिल्कुल चीता के जैसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते, निवासी भेड़ पालना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ पालना क्या है, मुख्य व्यवसाय। मैरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है यहाँ भेड़ की, यहाँ और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ अफ्रीका में मैरिनो भेड़ पाई जाती है। ये पालन करते हैं और इससे वूल, ऊन प्राप्त की जाती है। मैरिनो भेड़ और ऑस्ट्रेलिया में, एक सवाना अफ्रीका के किस भाग में पाए जाते हैं बेटा, सवाना जो है बताऊंगा, देखो चलो पूछ रहे हो तो देख लो, ये जैसे अफ्रीका है ऐसे समझो, ये वाला अफ्रीका है, यहां पाए जाते हैं अफ्रीका के उत्तरी भाग में, बिल्कुल यहां पाए जाता है ये सहारा मरुस्थल, कौन सा, ये सहारा डेजर्ट पाया जाता है। सहारा डेजर्ट के जब आप नीचे की तरफ आते हो ना, यहाँ इसके नीचे की तरफ आओगे सहारा के, तो यहाँ पाए जाते हैं आपको सवाना घास के मैदान, ये वाला है, यहाँ पाए जाते हैं लगभग मध्य अफ्रीका में, अफ्रीका के लगभग मध्य भाग में पाए जाते हैं, कौन से, सवाना घास के मैदान। और ये जो मैदान होते हैं ना, यहाँ जो घास होती है वो इतनी ऊंची ऊंची होती है, बड़ी बड़ी होती है कि हाथी भी ढक जाए, इतनी ऊंची घास होती है। ठीक है, इससे तीनों रेखाएं गुजरती। सोने हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय। जोहानसबर्ग को विश्व की स्वर्ण नगरी राजधानी कहा जाता है। किम्बरली हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे आइए फटाफट से। ये देखिए रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है, अब रेगिस्तान के जीवन को देख लेते हैं, रेगिस्तान में भैया जीवन कैसा होता है, जल्दी से फटाफट आ जाइए, रेगिस्तान में जीवन को भी देख लेते हैं। देखिए रेगिस्तान की जो लाइफ होती है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। यहां अगर हम बात करें गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट की बात कर लेते हैं, तो सहारा डेजर्ट में क्या होता है, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर सहारा डेजर्ट फैला है। कहां फैला है साहब, देख लो, ये रहा आपका अफ्रीका, मैंने अभी बताया था ना, ये अफ्रीका, यहां से इस अफ्रीका के उत्तरी भाग में ये वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया किस डेजर्ट का, सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। यहां एक नदी भी बहती है जो विक्टोरिया झील यहां से निकलती है, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है नील नदी, नील नदी, इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। उसके बाद करें सहारा के रेगिस्तान का पता लग, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना, सहारा रेगिस्तान 11 देशों में घिरा हुआ है। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनिशिया और पश्चिमी सहारा, ये इतने सारे देशों में फैला हुआ है।
और बात करें तो देखो इस तरह से यहाँ है पूरा का पूरा, ये है पूरा का पूरा एरिया ये भूमध्य सागर हुआ, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया सहारा डेजर्ट से घिरा हुआ है, ठीक है, यहां तक ट्यूनिशिया तक। अब आगे की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, जलवायु क्लाइमेट की बात करें, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है, यहाँ दिन तो अविश्वसनीय रूप से गर्म होते, यहाँ दिन तो भयंकर गर्म होते हैं लेकिन रातें उतनी ही ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। कैसे हो जाती है, रातें यहाँ लगभग 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाती है। बेटा पिछली सर्दियों में यहाँ बर्फबारी हुई थी, अरे सहारा में बर्फबारी हो गई थी पिछली सर्दियों में, क्यों, क्योंकि यहाँ रातें हो जाती है बहुत ठंडी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ तापमान पहुंच जाता है रातों में। सोचो अपने यहाँ सर्दियों में भी 0 डिग्री तापमान नहीं होता लेकिन यहाँ रात को ही 0 डिग्री तापमान पहुंच जाता है, जबकि दिन में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। हाँ जी, 7th क्लास की है बिल्कुल, ठीक है ना। और यहां से नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये मैंने आपको बता दिया। वनस्पति एवं प्राचीकरण, ये सारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस खजूर के पेड़ एवं एकोशिया पाए जाते हैं, यहाँ कुछ स्थानों पे मरुत्थान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं, यानी छोटी छोटी जगह कहीं कहीं हरे भरे इलाके भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद बात करें तो आगे की कहानी, लोग यहाँ सारा रेगिस्तान की काश्तकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, इनमें बेदुई एवं तुआरेग भी शामिल हैं। पशुओं के बालों का उपयोग चटाई कालीन कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है, यानी जो पशुओं के बाल है ना उनसे चटाई कंबल कालीन ये सारी चीजें बनाते हैं। कंबल में क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग है ना हवा से बचने के लिए, जो गर्म हवाएं होती हैं उनसे बचने के लिए भारी कपड़े पहनते हैं, जिसे कपड़े के अंदर से हवा पार ना हो, क्योंकि अगर पार हो गई ना तो बेटा स्किन से वेपर उड़ा के ले जाएगी, यानी शरीर से पानी खींच के ले जाएगी, इतनी तेज और गर्म हवाएं चलती हैं जिससे क्या हो जाएगा, लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सहारा में मरुस्थल में एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है, यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगते हैं, यहाँ चावल गेहूं जो सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, बेटा मिस्र की जो कपास है ना वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आगे आ जाइए फटाफट से, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, इसके बारे में समझ लीजिए। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बहरा हिमालय में स्थित है लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान। यहाँ अगर बात करें जो प्रजातियां हैं वह तथा उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, यहाँ कैसी है, विरल, सघन नहीं है, विरल, यानी दूर दूर छोटी मोटी वनस्पतियां। बेटा टाइम हो गया इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ दुष्यंत, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट करना है। ग्रीष्म ऋतु में सेब खूबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ और काजू ये सारी चीजें यहाँ उगती हैं। लद्दाख में पक्षियों की विविध प्रजातियां नजर आती हैं, इसमें रॉबिन है, रेड स्टर्ड है, तिब्बती स्रोकाक है, रेवेन है, हूप है, यहाँ पाए जाने वाले अन्य बहुत सारे पक्षी हैं। अच्छा, लद्दाख की बात करें तो यहाँ देखिए इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। देखिए ये रहा लद्दाख, ये सियाचिन ग्लेशियर, ये पूरा का पूरा एरिया देखो मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं, लद्दाख को पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये है भाई हमारा क्या, ये है हमारा लद्दाख, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया जम्मू कश्मीर है, यहां से ये वाला जो एरिया है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी ये हिस्सा किसके पास है, कश्मीर के पास है, सॉरी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी ये हिस्सा पाकिस्तान के पास है, एक गिलगिट वाला क्षेत्र रहा, एक जम्मू कश्मीर का रहा, ठीक है, ये हिस्सा यहाँ था, ठीक। इसको बोला जाता है POK, और इधर जो एरिया है इसको बोला जाता है ये अक्साई चीन, यानी भारत के पास वर्तमान में इतना हिस्सा है, ठीक है, क्लियर हुई कहानी, समझ गए बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्रों बनाने के लिए किया जाता है, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट भेड़ पाई जाती है कश्मीर के अंदर, पश्मीना शॉल, अगर आपने शॉल खरीदा हो तो पश्मीना शॉल यहाँ का मुख्य बहुत ही फेमस शॉल है, जो कम से कम 10-12 हजार रुपए का आता है, उसे बनाने में कई 100 घंटे लगते हैं, 100-200 घंटों में जाके सोचो दसियों दिन में जाके एक शॉल बनता है, और 5-10 दिन में जाके एक शॉल बनता है। मैप समझ नहीं आता, पंकज अगर मैप समझना है तो उसके लिए डेमो क्लास चल रही है शाम को 5 से 6 प्रॉपर ज्योग्राफी का, यहां मैं आपको मैप नहीं समझा सकता, ठीक है, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। पंकज भाई मैप जब समझ आएगा जब हाथ से मैप बनाओगे, मैप तब समझ आएगा जब हाथ से बनाओगे। हाँ जी, पश्मीना 250 घंटे में बनता है, 10-15 हजार रुपए का शॉल आता है,
बहुत हल्का होता है लेकिन गर्म बहुत होता है, पश्मीना बकरी होती है उससे शॉल बनाया जाता है उसके बालों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान है या बौद्ध है, ये समझ लो, यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान या बौद्ध है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ है एवं परंपराओं के पोंपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ है हेमिस, थिक्से से एवं लामा यूरु, ये कुछ प्रसिद्ध मठ है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं, ठीक है। तो भाई ये था आपका सेवंथ क्लास का एनसीईआरटी का सार। मैंने आपकी सेवंथ क्लास की एनसीईआरटी पूरा खत्म करने की, हाँ जी, 6 गुना ज्यादा गर्म होता है। सालू मेरी जियो होती है 5 से 6 केवीएस के बैच में, आज ही डेमो दिया है मैंने आज। आप 5 से 6 वाली क्लास जाके जरूर देखें, आपको क्लास कैसी लगी ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। जो जियो की क्लास हुई है उससे बैच से रिलेटेड जानकारी आपके पास ये रही। अगर आप एसएससी टीजीटी के लिए भैया बैच लेना चाहते हैं संजीवनी बैच, तो आ चुका है। इसमें देखो ये सारे फीचर है, स्पेशल फीचर इसका ये रहा, डेली प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, केवीएस 60 कोड लगा दो और ये मात्र 1999 में बैच ले जाओ, ठीक है। आगे बात समझ में। और आज जो मैंने इसके लिए डेमो क्लास ली है उसको जाके अभी जरूर देखें, एग्जाम बोर्ड टीचिंग स्कूल पर ही है। अगर आप डेमो फर्स्ट डाल दोगे ज्योग्राफी डेमो क्लास तो भी वो आ जाएगा निकल के, ठीक है, ऊपर ही आ जाएगा। अभी 5 से 6 हुई है, जल्दी जाइए और उस क्लास को लीजिए और उसमें कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब कल, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा बाय बाय। हाँ, कल आपको एनसीईआरटी करनी है 8th क्लास, क्लास कौन सी क्लास करनी है, कल 8th क्लास को शुरुआत कर देंगे एनसीईआरटी का, ठीक है भाई। कल 8th क्लास की एनसीईआरटी का पूरा हम शुरुआत कर देंगे, आगे बात समझ में। चलिए तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, नमस्कार साथी। अरे भैया बंद कर देना, नहीं YouTube की क्लास बंद कर दो, मेरा नंबर कौन सी बंद कर देना, सब बंद कर तेरा नंबर।